Hey there, you're listening to The Quint. बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। फैज अहमद फैज की नज्म है और अपनी आवाज का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। मैं स्कूल में थी जब पहली बार ये नज्म हमें पढ़ाई गई थी और पहला सवाल 13 साल के स्टूडेंट के दिमाग में यही आया कि जब खुदा ने इंसान को मुंह दिया है, चलती हुई जबान दी है, बोलने की ताकत दी है, लैंग्वेज की अच्छी खासी समझ दी है और लोग आपस में बात करते ही हैं, फिर फैज अहमद फैज किस तरह की आवाज इस्तेमाल करने को कह रहे हैं? क्यों नज्म में ये कह रहे हैं कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। तो जब हमारी टीचर ने हमको ये समझाया कि इसमें फैज अहमद फैज जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को कह रहे हैं, तब समझ आया कि आवाज और आवाज उठाने के सही मायने क्या हैं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस साल हमें फैज अहमद फैज की और भी कई सारी रेवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस पोएट्री पढ़ाई गई जिसमें हम देखेंगे शामिल थी। फैज अहमद फैजी नहीं, इसरारुल हक मजाज, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, मखदूम मुहियुद्दीन, साहिर लुधियानवी, ये ऐसे नाम हैं उर्दू पोएट्री में, उर्दू पोएट्स हैं ये, जिन्होंने एक से बढ़कर एक ऐसे कलाम लिखे हैं जिसमें आवाज उठाने की बात कही है। आवाज उठाने का सही मतलब क्या है वो समझाया है और ये बात साबित कर दी है कि शायरी का मतलब सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं है, खूबसूरती की बातें करना नहीं है, बल्कि शायरी को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक ऐसे डिवाइस के तौर पर यूज कर सकते हैं जो एक तरह का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल चेंज लेकर आ सकता है। तो किसी भी तरह के चेंज के लिए उर्दू शायरी में आवाज उठाने को बहुत अहमियत दी गई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आवाज और आवाज उठाने के ताल्लुक से किस तरह की शायरी पढ़ने वाले हैं आज पॉडकास्ट में। द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूं फबीहा सैयद। आज हम समझेंगे कि आवाज को शायरों ने अपनी कन्वीनियंस और जरूरत के हिसाब से कैसे कैसे और कब कब इस्तेमाल किया है, यानी आवाज क्या सिंबलाइज करती है। शायर जब महबूब की आवाज की बात करता है तो उसे याद कर रहा होता है। शायर जब खुदा की बात कर रहा होता है तो आवाज को हक यानी ट्रूथ से जोड़ा गया है, कभी आइडेंटिटी से भी जोड़ा गया है। जैसे कि गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में, किनारा फिल्म का ये गाना है। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उर्दू नामा को फॉलो कर सकते हैं गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।